आर्मी मैं कारी हामिद मियां साहब से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि तशरीफ लाएं और तिलावत कलाम पाक से सेमिनार का आगाज फरमाएं और सामईन और नाजरीन के कुलूब को मुनव्वर फरमाएं। डॉक्टर कारी हामिद मियां साहब, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. बहुत बहुत शुक्रिया जनाब कारी हामिद मियां साहब। जब जब फूलों ने खुशबू की तिजारत की है, पत्ते पत्ते ने हवाओं से शिकायत की है, और यूं लगा जैसे इत्र फदा में भूल जाए जब किसी शख्स ने कुरान की तिलावत की। नाज़रीन हज़रात, उलूमुल कुरान के इश्तराक की बुलंद फसील पर जलते हुए सब रोशन चराग की रोशनी गुफ्तगू बसूरतों को तकसीम कर देने का फन रखने वाली शख्सियत सदर मोहतरम आली मर्तबा जनाब प्रोफेसर ज़फ़रुल इस्लाम इस्लाही साहब,
ज़हानतों को जुमलों में तब्दील करने का हुनर रखने और आवाम को अपनी गुफ्तगू से मजीद ज़हीन बना देने की सलाहियत रखने, अंग्रेजी जुबान व अदब के शहसवार, अंग्रेजी तराजम कुरान के मायनाज मुसले और नाकिब, उलूम-उल-कुरान से बेपनाह शरफ रखने वाली अजीम शख्सियत डायरेक्टर मरकज उलूम-उल-कुरान प्रोफेसर अब्दुल रहीम किदवाई साहब, सेक्रेटरी सेमिनार डॉक्टर मुबीन सलीम साहब, दीगर असातिज़े किराम, शुरकाए सेमिनार, नाज़रीन और सामईन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। आज के इस दो रोज़ा सेमिनार का मरकज़ी मौजू है हाउ टू अंडरस्टैंड द कुरान, हम कुरान को कैसे समझें। हज़रात गिरामी, कुरान करीम वो किताब है जो हर दौर के उफुक पर खुर्शीद ताबा की मानिंद तुलू होगी और यह सिलसिला कयामत तक जारी और सारी रहेगा। मरकज़ उलूमुल कुरान के बुनियादी मंशूर में ये बात शामिल है कि हम कुरानी तालीमात को अवामुन्नास के सामने नहायत सहल और आसान जुबान में पेश करें ताकि लोग उस पर अमल पैरा हों। नाज़रीन हज़रात, इस सेमिनार के शुरका की एक तवील फहरिस्त है जिन्होंने किसी न किसी पहलू से फहम कुरान, अदबी उसलूब इस्तेदलाल, तरीक़ेकार, मेयारात और मशवरे, तजावीज़, ज़ाविये और तकाज़े और कुरान पहलू के सिलसिले में मदारिस का किरदार वगैरह जैसे अहम मौजू पर सैर हासिल बहस की है जिनसे मौजूदा जदीद माशरा पिछना लग है। मैं बगैर किसी ताखीर के मरकज़ उलूमुल कुरान के उस्ताद सेक्रेटरी सेमिनार डॉक्टर मोहम्मद मुबीन सलीम साहब से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि तशरीफ लाएं और इस सेमिनार के इस्तकबालिया कलमात से नवाजें। डॉक्टर मोहम्मद मुबीन सलीम साहब, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। मैं चूँकि प्रोफेसर अब्दुर्रहीम कलवाई साहब की आज अचानक तबीयत अजीब हो गई है, उसकी वजह से उन्होंने फ़ोन किया और कहा कि आप मेरी तरफ से इस्तकबालिया कुछ कलिमात कहते हैं और कल इंशाअल्लाह वो आपके सामने होंगे और अपनी पूरी बात रखेंगे। मुहतरम सामईन किराम, जैसा कि आप सबको मालूम है कि 1-2 मार्च दो दिन सेमिनार हम कुरान को कैसे समझें मेयारात और मशवरे के मौजू पर मुनक़िद हो रहा है और ये बड़ी खुशी की बात है कि इस मौजू पर 26 मकाले अल्हम्दुलिल्लाह मौसूल हुए हैं और भी मकाले आए लेकिन 26 मकालों को सिलेक्ट किया गया है जो कुरान फहमी से मुतालिक मुख्तलिफ पहलुओं पर गुफ्तगू करते हैं। तो आप सब हजरात को सबसे पहले ये कि जिन लोगों ने कंट्रीब्यूशन किया है या जो लोग शरीक हैं हम उन सब का तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं और उलूमुल कुरान और कुरानी खिदमात के मौजू पर होने वाले सेमिनार में शिरकत के लिए उनका शुक्रिया अदा करते हैं। ये अहम मौजू है और इस वक्त जो जदीद तकाज़े और जदीद फिक्री चैलेंजेस उम्मत मुस्लिमा को दरपेश हैं उनकी रोशनी में उम्मीद है कि ये सेमिनार और सेमिनार में शरीक हजरात के कंट्रीब्यूशन, मनाक़शे और तजावीज़ से एक ऐसा पहलू सामने आएगा जिससे उम्मत मुस्लिमा मुस्तफीद होगी और कुरान से करीब होने में हम सबको मदद मिलेगी और कुरान करीम के समझने के लिए जो आवाम हैं, खवास हैं, मुख्तलिफ तबक़ात हैं सबके लिए एक सही कुरान फहमी से मुतालिक उसलूब मुतय्यन होने में इंशाअल्लाह इससे मदद मिलेगी। आप सब हजरात से दरख्वास्त है कि मुख्तलिफ एकेडमिक सेशन में भी
आप हजरात शरीक रहें और अपने कीमती चीज़ों से उसे हमें मुस्तफ़ीद होने का मौका देते रहें। मैं दोबारा आप सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। सेंटर की जानिब से, सेंटर के डायरेक्टर प्रोफेसर अब्दुलरहीम तलवाई साहब की जानिब से, असातिज़ा, स्टाफ और तमाम तलबा की जानिब से, और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इस सेमिनार को कामयाबियों से हमकिनार करे। आखिर दावाना अन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोहम्मद मुबीन सलीम साहब। हजरात, शख्स से शख्सियत बनने में और फर्द से इंफरादियत बनने में एक लंबा अरसा लगता है। प्रोफेसर जफरुल इस्लाम इस्लाही साहब हमारे दरमियान शख्स नहीं बल्कि शख्सियत हैं और फर्द नहीं बल्कि एक इंफरादियत की हैसियत रखते हैं। उस्ताद मोहतरम से मैं बहुत ही अदब के साथ गुजारिश कर रहा हूँ कि तशरीफ लाएं और इस सेमिनार के कलीदी खुतबे से नवाजें। आप लोग इस्तकबाल कीजिए और बड़े काम की चीज़ें आपके सामने आएंगी। प्रोफेसर इस्लाही साहब, डायरेक्टर सम्राटी साहब, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी डॉक्टर मोहम्मद मुबीन सलीम साहब, कंपेयर ऑफ रिसेप्शन डॉक्टर मोहम्मद अयूब अकरम साहब, नाज़रीन और सामईन कराम, कुरान करीम सारे इंसानों के लिए रहनुमाई का बेहतरीन जरिया, अपने दामन की खराबी की तारीखी से निकाल कर नूर हक नसीब करने वाला और साथ मुस्तकीम कर पर गामजन करने वाली अजीम तरीन किताबें हिदायत हैं। इस किताब के पैगाम को आम करने और उसके समझने और समझाने की राहों को हमवार करने के खातिर जो भी कोशिश की जाती है कि जाएगी वह हर हाल नाकाबिल क़त्ल, लाख़ तहसीन और मूजब अजब है। प्रोफेसर खलीक अहमद नामी मरकज़ उलूम क़ुरान के ज़ेर एहतमाम बिरादर मुकर्रम प्रोफेसर इब्राहिम क़ज़बाई साहब की सरबराही में उलूम क़ुरान के मुख्तलिफ पहलुओं और क़ुरान के जदीद तालीम के मनाही पर मतदीद सेमिनारों के बाद फ़ाम क़ुरान के ज़राए मसाए पर मुनक़द होने वाले सेमिनार इसी नौ की एक नेक काविश है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से नतीजा खैर बनाए। क़ुरान करीम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी किताब अज़ीज़ अज़ीम की बुनियादी सिफत ये बयान फरमाई है, बदल लेना यानी सारे इंसानों के लिए रहनुमाई हदायत का जरिया है। इसी के साथ अल्लाह ताला के भी फजल करम है, उसने इसे बेजाबी यानी उसूल हदायत का को आसान फरमा दिया, जैसा कि इरशाद इलाही है, वलक़द यस्सरना क़ुरान लिज़्ज़िक्र फ़हल मिन मुद्दकिर, हमने कुरान को नसीहत या दहानी के लिए आसान कर दिया, क्या कोई है इससे नसीहत हासिल करने वाला। इस आयत की नस्बत से खास काबिल तवज्जो बात यह है कि सूरह क़मर में एक बार नहीं बल्कि चार बार ये इरशाद हुआ। यह आयत बात का ऐलान रब्बानी है कि सबसे बेहतरीन किताब हदायत को रोज़मर्रा ज़िंदगी में उसूल रहनुमाई के लिए आसान कर दिया गया है और इसमें ऐसा उसूल इख्तियार किया गया है जो नहायत मुअत्तिर है और किताब तफ़सीर से नसीहत हासिल करने की उसमें तरगीब तशरीह मिलती है। इस आयत की तशरीह मुख्तलिफ तौर पर की गई है, हमने इसे याद करने या हिफ्ज़ करने, नसीहत सबक हासिल करने के लिए यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में रहनुमाई के लिए आसान कर दिया है। मजीद बना कुरान करीम में कई मकाम पर अल्लाह ताला ने यह वादा किया है कि हमने कुरान को जिक्र बनाकर यानी नसीहत तस्किए और याद दहानी के लिए नाजिल किया, कहीं इरशाद हुआ उमा हुआ इल्ला ज़िक्रुल आलमीन, दूसरी जगह इरशाद हुआ बल कुरान ज़िक्र, ज़िक्र और तस्किर से भरा हुआ कुरान। मजीद तरगीब तशरीह के लिए कहीं ये उसूल इख्तियार किया गया कि आखिर लोग इससे क्यों नहीं हिदायत नसीहत हासिल करते। बाद मकाम पर कलते फैज की दावत इस उसलोब में दी गई कि सबके लिए नसीहत से भरी हुई बाबरकत किताब है, क्या तुम हैरत है तुम लोग इसका इनकार कर रहे हो। कहीं संदाज में एराज करने वालों को मुखातब किया गया, ये तो तुम सबके लिए नुस्खा कीमिया है, बड़े कीमती नसीहत का मजमू है, आखिर इसे छोड़कर
कहाँ भाग जा रहा पाया न था जमून इन हुआ अल्लाह जुकून लाडमी। मस्कुरा बाला और इसमों की दिगर आयत के हवाले से अब ये सवाल पैदा होता है कि कुरान का मकसद नज़ूल कैसे पूरा किया जाए, यानी कुरान हकीम से इस्तिफादा कैसे किया जाए, उसके तवस्सुल से अल्लाह ताला के हिदायत और तालीमात को कैसे मालूम किया जाए। ये सवाल इस सूरत में और मुश्किल हो जाता है जबकि हर शख्स अरबी जबान उसके रिसालतों से न तो बखूबी वाकिफ है और ना उलूम इस्लामिया का हर शख्स माहिर है और ना ही हर एक को उनके मायल होने का मुकर्रब बनाया जा सकता है। इसका एक सीधा साधा जवाब यह दिया जा सकता है कि नज़ुल कुरान के मकसद की तकमील के लिए कुरान को समझने के मुख्तलिफ ज़रा हैं, उन्हें अख्तियार करना कुछ मुश्किल नहीं, खाख़ अरबी जबान और उलूम दीनिया में महारत हासिल करके या किसी तर्जुमा तफ़सीर कुरान की मदद से या उलमा व माहिरीन कुरान की ज़बानी और तहरीर के तवज्जो से, यानी हर शख्स अपने इल्मी सलाहियत ज़हनी सतह और समझ के लिहाज से इसके मान मफ़हूम को समझ कर दोस्तों से सुन कर तराजम तफ़सीर और पानी कुतुब का मुताला करके या इल्म कुरान के माहिरीन से मालूम करके कुरान से फैज हासिल कर सकता है और रोज़मर्रा ज़िंदगी के मसाइल में अल्लाह ताला की हिदायत को जान सकता है और उसी के मुताबिक अमल करके अल्लाह का खुशनसीब हासिल कर सकता है। बस ज़रूरत है तलब की, मुसलसल कोशिश की, किताब हिदायत से इस्तेफादे के मुख्तलिफ ज़राए अख्तियार करने की और कुरान को समझ कर पढ़ते हुए या तर्जुमा तफ़सीर का मुताला करते हुए किसी इश्कार के सामने आने पर बिला झिझक और मातार कुरान या माहिरीन कुरानियात से रुजू इस्तेशार की। मुमताज़ स्कॉलर और साबिक डायरेक्टर इदारा इस्लामिया प्रोफेसर मोहम्मद रातुल्लाह सिद्दीकी साहब की राय में असर हाजिर में आम लोगों को रुजू कुरान की दावत देते हुए जो रुकावटें पेश आती हैं उनमें सबसे बड़ी रुकावट दोस्तों को छोड़ दी खुद मुसलमानों की अक्सरियत अरबी जबान से नावलत है। इसका हल ये है कि मकामी ज़बानों में कुरान के तराजम फराहम किए जाएँ जिन्हें पढ़कर या सुनकर आम आदमी कुरान की बातों को समझ सकता है। इसी के साथ उन्होंने बजा तौर पर यह ख्याल जाहिर फरमाया है कि जिन आयत के समझने में मुश्किल पेश आती हैं या हो सकती हैं उनका ताल्लुक या तो निकाह तलाक विरासत वगैरह जैसे आकाम कवानीन से या गैर की बातों से और तारीखी वाक़ात से, तर्जुमे के साथ तौज़ीह नोट या हवाशी के जरिए इस मुश्किल को दूर किया जा सकता है। वाक़ा ये कि मदारिस के फारिग़ीन उलमाए किराम माहिरीन कुरानियात आला तालीम याफ्ता आम पढ़े लिखे अफराद गैर तालीम याफ्ता या इलमी सलाहियत के लिहाज से और किसी जुमरे के अशाद सबके लिए कुरान फहमी का तरीका यकसा नहीं हो सकता, लेकिन कुछ बातें सबके लिए ज़रूरी हैं। अव्वल ये कि कुरान समझने के लिए नीयत और मकसद की दुरुस्तगी दूसरे तरफ कोशिश, यानी फाम कुरान की कोशिश करते हुए नीयत की या अपनी असलाह की यानी अपने अकाद असलाह की दुरुस्तगी की और हर बसलाहियत दोस्तों तक कुरान के पैगाम को पहुँचाने की कोशिश से मुराद ये है। यह हम सब का एक यकीन है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने फ़ज़्ल व करम से अपने बंदों के हिदायत के लिए किताब नाज़िल फरमाई है और इसी किताब के इत्तबा में हमारे लिए खैर है तो समझने के लिए अपने अंदर तरफ पैदा करें और इस तरफ को पूरे करने के लिए पूरी कोशिश करें और बेहतर होगा कि अल्लाह के नायत करदा सलाहियतों को इसमें लगा दें। कुरान में अल्लाह रब्बुल इज्जत का कुरान से वाकई होता हदीस से कि अल्लाह ताला किसी बंदे की कोशिश को रायगा नहीं जाने देता, तो काबिल गौर बात यह है कि उसकी किताब अज़ीज़ व अज़ीम को समझने के लिए कोशिश कैसे बागावर नतीजा खैर साबित ना होगी। सूरह अनकबूत में अल्लाह ताला का इरशाद है वल्लज़ीना जाहदू फीना लना हदीनहुम सुबुलना, जो लोग भी हमारी राह में मुजाहदा करेंगे हम उनके लिए राहें हमवार करेंगे। हकीकत यह है इस आयत में अल्लाह की राह में मुजाहदा या हद तक इम्कान कोशिश पर राहें हमवार करने के वादे राही का ताल्लुक हर नेक अमल और हर कार खैर से है। सोचने की बात है कुरान को समझने समझाने के लिए खूब कोशिश करने वालों से बढ़कर मुजाहदा किसका हो सकता है जिसमें अल्लाह ताला ने इंसानों के दुखों का धरमा रखा है और आल ईमान के ज़ाहरी बातली अमराज के लिए उसे मुजब शफा करार दिया है। वह हदीस बहुत मशहूर है खैर मन तालमा कुराना वालमा वाम कुरान की राहें कैसे हमवार होंगी, खासतौर से दीनी मदारिस के फजला या क्लासिकल अरबी जानने वालों और इस्लामी उलूम के इस्लाम की बुनियादी उलूम से गहरी वाकफियत रखने वालों के लिए अपने ज़ाती तजुर्बे के रोशनी में ये कह सकता हूँ कि कुरान समझने की राह में मज़कूरा बाला शरात के साथ ये तरीके वफीज होंगे। नंबर एक,
किसी आयत पर गौर करते हुए या उसके माना अफहम को समझने की कोशिश करते हुए उस मौजू या मजमून की जिक्र आयात को भी सामने रखा जाए तो ज़ेर मुतला आयात का मफहम और खुलकर सामने आया जाए। और मुतलका आयात में अल्लाह ताला ने इंसान को जो हिदायत मुतियत दी है उसकी ग्रहें खुलती चली जाती हैं, इसलिए कि बाज़ औक़ात एक आयत में कोई नुक्ता मुख्तसर बयान किया गया है तो इसी मज़मून की दीगर आयत या आयात में इस आयत के पैगाम की तफसीलात दी गई हैं या उससे मज़ीद निकात वादा किए गए हैं। इस नुक्ते की वजाहत मुख्तलिफ मिसालों से पेश की जाती हैं। यहाँ सब एक मिसाल दूंगा। कुरान करीम में सिरात मुस्तकीम पर चलने की हिदायत दी गई है, इसी पर हकीकी फौज फलाह इंसान की नसीब है और सूरह फातिहा पढ़ते हुए हम हर नमाज में इसके तौफीक तलबी के लिए दुआ करते हैं। सिरात मुस्तकीम क्या है? एक इसका सीधा साधा जवाब यह दिया जाता है कि पूरा कुरान इसकी वजाहत है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में साफ लफ्ज़ों में फरमाया है इन्नल्लाह रब्बी व रब्बुकुम फअबुदूहु हज़ा सिरात मुस्तकीम, अपने रसूलों की जुबानी यह पैगाम दिया है, कह दो कि बेशक अल्लाह मेरा भी रब है और तुम सबका रब है, बस उसी के बाद करो, यही सिरात मुस्तकीम। हकीकत यह है कि इबादत से मुराद इस आयत में महज इबादत की फर्ज इबादत की वजह वही नहीं। सूरह नाम की आयत 152-153 पर नज़र डाली जाए तो इसकी वजाहत पूरी मिल जाती है। इन आयात में अल्लाह ताला ने 9,000 देने के बाद यह इरशाद फरमाया ज़ालिकुम वसाकुम बिही लअल्लकुम तज़क्करून, ये वो हिदायत है जो उसने तुम्हें दी है ताकि तुम उससे नसीहत हासिल करो, और उसके बाद यह फरमाने लाई है वहाँ नहाज़ा सिरात मुस्तकीम फत्तबू, कि तुम यही मेरी सीधी राह है तुम इसकी पैरवी करो। 9,000 रुपानी की तफसील में जाने का मौका नहीं, मजमूनी तौर पर इन पर नज़र डाली जाए तो यह हकीकत सामने आती है कि 9,000 का ताल्लुक हुकुकुल्लाह से भी है और हुकुकुल्लबाद से भी। इन आयात से अच्छी तरह वाजह होता है कि सिरात मुस्तकीम अख्तियार करना दरअसल अल्लाह के हकूक उसके बंदों की जो हकूक की अदायगी में सरगम रहना। इसी के साथ साथ ये भी वाजह है दूसरे अंबिया इकराम नंबर 2 दूसरे अंबिया इकराम के दूसरे ये कि अंबिया इकराम के वाकयात और उनके कौमों के हालात पर गहरी नज़र हो तो इससे भी फाना कुरान की राहें हमवार होती हैं। दुनिया ज़िंदगी में आज ईमान को अपनी नुसर नसीब करने मुखालफिन की चालों साजिशों को नाकाम बनाने सब्र तक़वा गुनाहों से इतना रुजू अल्लाह ज़िक्र इलाही हुकुकुल्लाह की अदायगी पर अपनी खुशी रहमत को नाज मुशरफ करने और आजमाइश और मुश्किलात से निजात देने का अल्लाह ताला ने जिन आयात में वादा फरमाया है उन पर गौर करते हुए अगर हम अंबिया-ए-किराम अलैहिस्सलाम उनके कौमों की सरगर्द से ताल्लुक़ रखने वाले आयात को पेश नज़र रखा जाए तो अल्लाह के वजह का सच बरहक होना खुलकर सामने आ जाता है। कुरान करीम में मुतअद्दिद मुकाम पर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि दुनिया की ज़िंदगी में हम अपने रसूलों और उसकी पैरवी करने वालों की मदद करते हैं और ये सारी चीज़ें आपके उन आयात से वादे हो जाती हैं। तीसरे कि आज इस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाक़ात पर गहरी नज़र कुरान को समझने की संभावना ने बहुत मुफीद साबित होती है। कुरान में कई मकाम पर अल्लाह ताला ने खुद फरमाया है अपने रसूल महबूब को इस अंदाज में खिताब करते हुए कि हम ये किताब आप पर इसलिए नाज़िल की है ताकि आप इसकी हिदायत तालीमात को लोगों के लिए वाज़ह कर दें और इन निकात को खोल खोल कर बयान कर दें जिनकी बाबत ये लोग इख्तियार करते रहें। यह हकीकत मुताज़ बयान नहीं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कौल अमल से ये जिम्मेदारी अंजाम देते रहे, इसीलिए हदीस के बारे में कहा जाता है कि कुरान की अव्वलीन शरह हदीस है और सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किताब राय की अमली तफसीर से ताबीर किया जाता है। ये अपना ज़ाती तजुर्बा है कि हदीस से नबी के मुताले से न सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आसहाबे किराम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदम मुबारक और अर्द मुकद्दस के लोगों से मुतल्लिक आयात को समझने में मदद मिलती है, बल्कि ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोरों से ताल्लुक़ रखने वाली कुरान करीम की आम हिदायात तालीमात और आकाम की तफसीलात और उनका अमली तौर पर बचने के सही तौर तरीक और उन पर अमल के फ़ैज़ बरकात भी सामने आते रहते हैं। नंबर 4, अगर किसी आयत या कुछ आयत को समझने के लिए किसी तर्जुमा कुरान या तफसीर से रजू किया जाता है या रजू किया जाए और ज़ेर मुताला तर्जुमा या तफसीर से इस आयत का मफहूम या माना मफहूम वाज़ह नहीं हो पाता या उसमें बयान किया गया माना मफहूम कुछ गुंजलत मुबहम या ज़बान बयान के लिहाज से पेचीदा मालूम होता है तो बेहतर है कि दूसरे तराजम तफासिर से रजू किया जाए और तफसीरी कुतुब से तफासिर के अलावा उलमा कुरान के माहरीन से भी इस्तेदार किया जाए और यह कोशिश
उस वक्त तक जारी रहे जब तक कि किसी तफसीर में बयान करदा या किसी माहिर कुरान के वाज़ेह करदा मरहूम पर मफहूम पर इन शराह कर्म न हो जाए, उस आयत से मुतल्लिक जहन में पैदा होने वाले सवालात उसका राज दूर न हो जाए। नंबर 5 आखिरी, कुरान करीम जैसा कि ऊपर वाज़ेह किया गया वो मारिफ का खजाना है बल्कि उलूम का नापाका किनार समुंदर है। इसमें तारीख जग्राफिया तबीयात फर्कियात इल्म तबकात बाहरियात वगैरह से मुतल्लिक बहुत ज़्यादा है। आम अहले इल्म या तराजम तफासीर की मदद से कुरान को समझ कर पढ़ने वाले जब इन आयात से गुजरते हैं तो उनसे मुतल्लिक बहुत से सवाल उसका राज पैदा होते हैं, उनके छान पर तौजीह और तावील में उन्हें दुश्वारी पेश आती है याद सकते, इसलिए कि इन आयात के मानो मफहूम के तहत हर कसर हाकत के लिए रसाई मुश्किल होती है। इस सूरत में जाहिर है कि माहरीन और कुरान से रुजू करना मफीद होगा और अगर ज़रूरत महसूस हो तो सामते लोगों के माहरीन से भी उससे वादा करना चाहिए। ये जुमले में सवाल पैदा होता है क्या जिंदगी के आम मामलों में उसूल रहनुमाई के लिए इस तरह के आयात के तहत पहुँचना या उनके असल मफहूम मतलूल को जानना सबके लिए ज़रूरी है या उन्हें और माह कुरान या माहरीन कुरान पर छोड़कर आगे बढ़ा जाए। इस नाचीज की राय में आम लोगों के लिए दूसरी सूरत रफ्तार करना ही मुनासिब होगा, इसलिए कि इस तरह के आयात की के माना मफहूम की ताकत न पहुँचने या उनके शांतिक तोजिए से कासिब रहने की वजह से उनसे नसीहत हासिल करने में कोई बहुत ज़्यादा फर्क वाक़ नहीं होता। हकीकत यह है कि नज़र कुरान का मकसद जैसा कि वादा किया गया लोगों को रोज़मर्रा ज़िंदगी में अल्लाह की मर्जी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने के बाद में रहनमाई गांव पहुँचाना है और ताकि वो उखरवी कामयाबी से हमकिनार हो सकें। इस बाब में आम लोगों के लिए मुख्तलिफ ज़राए से किताब हयात से रहनमाई का हुसूल कुछ मुश्किल नहीं रहा। लघवी नावी अदबी फ़िक़ही तारीखी जुग्राफियाई उलूम तबी साइंसी मसाइल के हल के पुरानी उलूम मारिफ के तहत जाना ये उलमा और दीगर माहिरों कुरानियात से ताल्लुक़ रखता है। ये मसाइल ज़िंदगी के आम मामलों में कुरान से हिदायत नसीहत हासिल करने के लिए माने नहीं आते। दूसरे अल्हम्दुलिल्लाह हर दौर में हर मकाम पर ऐसे आलिम और माहिरों कुरानियात रहनुमाई के लिए दस्तियाब हैं जो मुख्तलिफ नौ मुश्किल मसाइल में लोगों को इन तरह रहनमाई फराहम कर सकते हैं और करते रहते हैं। इस जुमले सूरतुल्कमर की मज़कूरा वाला आयत के तर्जुमे शेखुल हिंद पर मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी के तशरीह नोट का नकल करना बहुत अहम और बरमहर मालूम होता है उन्हीं के अल्फाज में, यानी कुरान से नसीहत हासिल करना बिल्कुल आसान है क्योंकि जो मजामीन तरगीब तरहीब और इंदार तफसीर से मुतल्लिक हैं वो बिल्कुल साफ सर और मौसिर हैं पर कोई समझने का इरादा करे तो समझे। आखिरी बात इंशाअल्लाह दुरूद के सुनार में मकालात और मुआसे के तवस्सुत से फहम कुरान के और कीमती निकात वाजह हो जाएंगे। आखिर में जानी तवज्जो दिलाना बहुत ज़रूरी समझता हूँ कि फहम कुरान के तमाम मुमकिन ज़राए अख्तियार करने और ज़ाती कोशिशों के साथ रुजू अल्लाह तौफीक इलाही के तलब के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ मांगते रहना चाहिए, इसलिए कि हम सबका इस पर ईमान यकीन है कि अल्लाह के तौफीक बख्शी के बगैर कोई राह हमवार होने वाली नहीं और न हमारा कोई मसला हल होने वाला है। इरशाद रब्बानी है वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह अलैह तवक्कल तो बैले होनी ये दुआ बैले होनी ये दुआ या कलमात मुसलसल हमारी ज़बानों पर जारी रहनी चाहिए। रब्बिश राही सदरी वसली अमरी रब ज़िदनी इल्मा और दूसरे ये भी अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वारज़ुक़ना तबाउ वारज़ुक़ना बातिल बातिलन वारज़ुक़ना इत्तिबाउ सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत बहुत शुक्रिया उस्ताद मोहतरम प्रोफेसर ज़फ़रुल इस्लाम इस्लाही साहब, आपने दिन हिदायत की तरफ निशानदेही की है। वाकई हमारे लिए और हमारी ज़िंदगी के लिए बड़ी अहम है और फ़हम कुरान के सिलसिले में वो लाजमी है। इनको अपना कर ही हम कुरान को एक अच्छी तरह और बेहतर तौर पर समझ सकते हैं और उस पर अमल कर सकते हैं। आखिर में मैं इस सेमिनार के सेक्रेटरी डॉक्टर मुबीन सलीम साहब से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि तशरीफ़ लाएँ और नागरिन इकराम का और सामईन हजरात का खुसूसन सदर मोहतरम प्रोफेसर ज़फ़रुल इस्लाम इस्लाही साहब का शुक्रिया अदा करें।
डॉक्टर मोहम्मद मुजीब सलीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह हमदन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फीह والصلاه والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه وازواجه وذرياته ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد। खवातीन हजरात, ये बहुत मसरत का मुकाम है और खुशी का मुकाम है कि हम आज के निजामी सेंटर फॉर कुरानिक स्टडीज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के सेंटर में कुरान फहमी के मौजू पर एक सेमिनार मुनाकिद कर रहे हैं। इस सिलसिले में जो मकाला निगार हजरात हैं उनकी काविशें यकीनन बहुत अहम हैं और ये सेमिनार असल में तो फिज़िकल होना था लेकिन कोरोना वायरस की गाइडलाइंस की वजह से इसे ऑनलाइन करना पड़ा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप सब हजरात की कोशिशों से 26 मकाले कुरान फहमी के मुख्तलिफ पहलुओं पर मौसूल हुए हैं जो इंशाअल्लाह सेमिनार के बाद प्रोसीडिंग की शक्ल में छप जाएंगे और इस्तफ़ारा आम के लिए मौजूद रहेंगे इंशाअल्लाह। और इस सिलसिले में इन हालात में भी जबकि दुनिया से कंटेक्ट होना एक ख़ासतौर से फिज़िकल लाइब्रेरी में जाना मुश्किल हो रहा है, आप सब हजरात ने कीमती तहरीरें लिखी हैं और यहाँ पर मनाक़शे होंगे, तो मैं इस सब के लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो इसमें शरीक हैं और इसको सुन रहे हैं और कुरान की नसर व इशात में शरीक हैं वो भी बराबर के सवाब में शरीक होंगे इंशाअल्लाह। और अल्लाह तबारक व तआला किसी को कुरान के सवाब से महरूम नहीं रखेंगे। 26 मकाले मौसूल हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इसके एकेडमिक 4 सेशन होंगे, फिर वैलिडिटरी का सेशन होगा। तो जो अगला सेशन होगा उसमें प्रोफेसर अमीन साहब मकाला पेश करेंगे, प्रोफेसर अबिदुल्ला फ़ाहद साहब, डॉक्टर ज़ियाउद्दीन मलिक, डॉक्टर अबरार साहब, डॉक्टर अरशद इकबाल साहब, डॉक्टर हामिद मियाँ साहब, मिस्टर मुस्तफ़ा फारूक साहब। इसके बाद जो सेशन है शाम का सेशन जो 7 से 9 बजे रात में इंशाअल्लाह होगा, ये सारे सेशन ऑनलाइन मोड में ही होंगे। इसमें प्रोफेसर मोहम्मद सलीम साहब, पहले सेशन की चेयर प्रोफेसर अबूसुफियान इस्लाही साहब करेंगे, इसे कंडक्ट डॉक्टर अरशद इकबाल साहब करेंगे। इसके बाद जो दूसरा एकेडमिक सेशन होगा उसमें कोई चेयरपर्सन प्रोफेसर मोहम्मद सलीम साहब हैं, चेयरमैन सुन्नी थियोलॉजी के जो चेयरमैन प्रोफेसर सलीम साहब वो चेयर करेंगे और डॉक्टर हामिद मियाँ साहब इसको कंडक्ट करेंगे। इसमें जो मकाला नगार हजरात हैं उनमें प्रोफेसर सनाउल्ला साहब, डॉक्टर रहान अख्तर साहब, डॉक्टर अवैध इकबाल आसिम साहब, डॉक्टर अशद जमाल नदवी साहब और डॉक्टर शाइस्ता परवीन, तबस्सुम मुहिद्दीन और अनस फलाही साहब, 7 लोग उसमें इंशाल्लाह मकाला पेश करेंगे। इसके बाद तीसरे सेशन में जो कल 9:30 से शुरू होगा और 11:30 तक चलेगा, इसकी सदारत प्रोफेसर तौकीर आलम फलाही साहब करेंगे और इसको कंडक्ट डॉक्टर अयूब अकरम साहब करेंगे। इसमें मकाला पढ़ने वालों के नाम हैं प्रोफेसर अबूसुफियान इस्लाही साहब, मौलाना रफीक सल्फी साहब, मिस्टर रफ़ीक अहमद साहब, मौलाना जर्जीस करीमी साहब, डॉक्टर मोहम्मद महबूब रहमान साहब और डॉक्टर नदीम अशरफ साहब। इसके बाद चौथा जो सेशन है उसकी चेयरपर्सन मौलाना जर्जीस करीमी साहब होंगे इंशाअल्लाह, उसको कंडक्ट डॉक्टर हामिद मियाँ साहब करेंगे। उसमें मकाला निगार हजरात के नाम हैं डॉक्टर मजीद खान साहब इस्लामिक स्टडीज़ के, डॉक्टर अब्दुल मजीद साहब, नज़ीर अब्दुल मजीद साहब के निज़ामी सेंटर फॉर कुरानिक स्टडीज़, डॉक्टर अयूब अकरम साहब, डॉक्टर मोहम्मद अब्बास साहब और सानिया खान, ये मकाला निगार हजरात हैं। इनके मौजूआत चूँकि तफसीली हैं और इंशाअल्लाह आप लोग शरीक रहेंगे, तो आप सब आखिर में मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। सेंटर के डायरेक्टर प्रोफेसर अब्दुल रहीम करवाई साहब,
असातिज़ा तलबा और स्टाफ की जानिब से और ख़ास तौर से इस वक्त हमारे पास मौजूद सदर जलसा सदर इजलास प्रोफेसर ज़फ़र इस्लाम इस्लाही साहब हाफिज़ाहुल्लाह ताला, आप सबको मालूम है कि प्रोफेसर ज़फ़र इस्लाम साहब की कुरानियात के मौजू पर खिदमात हैं, पूरी ज़िंदगी आपने इस पर वक्फ कर दी है और अभी भी आप इसी की कोशिशों में मुस्तकिल लगे रहते हैं। तबीयत के अजीज होने के बावजूद आप कॉन्फ्रेंस में तशरीफ़ लाए और अपने कीमती कलिमात से हम सबको नवाजा, हम इसके लिए आपके बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपको हमेशा ताहयात सेहत और आफियत से रखे और पुरानी खिदमात के लिए कबूल करता रहे। मोहतरम हजरात, ये सेमिनार जिसमें आपने कीमती मकाले लिखे हैं, ये यकीनन एक अहम सेमिनार है और इसके मुनाक़शे मुबाहसे के बाद जब सेमिनार की प्रोसीडिंग छपेगी तो इंशाअल्लाह एक मर्जे की उम्मीद है अल्लाह ताला की दाद से कि एक मर्जे की हैसियत रखेगी ये प्रोसीडिंग और उम्मत मुस्लिमा के लिए रहनुमाई का काम करेगी। इस पर चूँकि अब दूसरा सेशन आपका जो शुरू होगा वो 12:15 से शुरू होगा, तो मकाला नगर हजरात और इसके अलावा और दूसरे हजरात जो भी हैं, आप सबसे दरख्वास्त है जो शरीक और भी लोग इसमें शरीक हों वो मुस्तफ़ीद हों और मकाला नगर हजरात भी उसमें आए। मैं दोबारा आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इसको कामयाब करे और हम सबको कुरान की खिदमत के लिए कबूल करे और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैयत में मकाम अता फरमाए। आखिर दावाना अन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डॉक्टर मोहम्मद मुबीन सलीम साहब से कह दीजिए आप इस सेमिनार। अब मैं यहीं पर इस सेमिनार के इख्तिताम का ऐलान करता हूं। जैसा कि डॉक्टर मुबीन सलीम साहब ने कहा कि जो पहला सेशन है इसका इल्मी इजलास का वो 12:15 पे होगा। आप तमाम हजरात से गुजारिश है कि उस वक्त तो आप लिंक पे ज्वाइन करें और इस सेमिनार में शरीक हों। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। क्लोज कर दीजिए, है ना, क्लोज करवा दीजिए रेड वाला लिंक।